दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन अब इस बीच तुर्की और ग्रीस की दुश्मनी के बीच भारत ग्रीस के साथ हाथ बढ़ा दिया है और भारत ग्रीस की सेना के साथ युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया, जो कि तुर्की के साथ सटा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ड्रोन अटैक हुआ था भारत में, जो कि अभी भी मुद्दा गर्म है। आपको बता दें कि ड्रोन अटैक में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रोन थे उसमें तुर्की के ड्रोन होने की खबर निकल के आ रही है। यानी इस तरीके के जो ड्रोन डेवलप किए जाते हैं वो या तो तुर्की में डेवलप किए जाते हैं या फिर इसराइल में भी डेवलप किए जाते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर इसराइल इस तरीके के ड्रोन नहीं देगा। लेकिन एक है देश, वो है तुर्की। तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन पे ड्रोन, बड़े पैमाने पर ड्रोन दे सकता है। हमारी भारतीय सेनाओं ने भी इस बात को पुष्टि की थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी पुष्टि की है कि पीओके से सटे इलाकों में लगभग 300 के करीब ड्रोन एक्टिव हैं, जो कि भारतीय सीमा में आने के लिए बैठे। और इस बीच आपको बता दें कि ड्रोन की जो ये अभी तक ड्रोन अटैक हुआ, अब इसके बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ड्रोन कभी भी कहीं भी किसी सेना के ऊपर कराया जा सकता है। इस वजह से अब तुर्की पर शिकंजा कसने की भी तैयारी तेज हो चुकी है। मोदी सरकार ने तुर्की के खिलाफ पूरी की पूरी सेना उतार दी। हमने आपको बताया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक उसी प्रकार से तुर्की और ग्रीस दो कट्टर दुश्मन। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से तुर्की और ग्रीस भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की भी दोस्त हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का जिस तरीके से भारत का पड़ोसी पाकिस्तान तुर्की दोस्ती रख रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक अच्छी कूटनीति चल दी है। तुर्की और ग्रीस दोस्त हैं, ये सबको पता है, और अब ग्रीस का समर्थन करने के लिए मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। यानी अब ग्रीस के समर्थन में और ग्रीस की सेना के लिए भारतीय सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी। पाकिस्तान और उसके आका तुर्की के नापाक गठजोड़ को तोड़ने और टक्कर देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत ने तुर्की के धुर विरोधी यूरोपीय देश ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में जोरदार सैनिकों की अभ्यास किया जा रहा है, यानी युद्धाभ्यास, सैनिकों को उतार दिया है। इस अभ्यास में ग्रीस की फ्रिगेट थेमिस्टोपोलिस और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तवर ने हिस्सा लिया है। ये अभ्यास भूमध्य सागर में क्रैंट इलाके में दक्षिणी पश्चिमी में हो रहे हैं। ग्रीस की न्यूज वेबसाइट पोस्टमा के मुताबिक भारतीय युद्धपोत का मिस्र की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास का प्लान है। इसके लिए INS तवर मिस्र के सिकंदरिया बंदरगाह पर पहुंच भी गया है। यानी मोदी सरकार ने तुर्की के खिलाफ सेना को पूरी तरीके से उतार दिया है। ग्रीस के युद्धपोत के साथ भारतीय सैनिक जंगी जहाज 30 जून को ये अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास का मकसद ग्रीस की सेना का दुनिया के अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ प्रशिक्षण बढ़ाना है और ग्रीस की नौसेना को और मजबूत करना है, खास करके तुर्की की अपेक्षा। साथ ही द्विपक्षीय आधार पर ऑपरेशन तैयारी, लड़ाकू क्षमता और सहयोग को बढ़ा रहे हैं। पेंटा पोस्टमा ने कहा है कि भारत परमाणु हथियारों से लैस है और भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास करके ग्रीस की काफ़ी ताकत बढ़ेगी। विशेषताओं का कहना है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और दोस्ती से निपटने के लिए भारत और ग्रीस साथ आए हैं। ग्रीस भी तुर्की के आक्रामक व्यवहार से परेशान है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पिछले दिनों ग्रीस की यात्रा पर पहुंचे थे और PM मोदी करिया कोस मितोकिन्स से भी मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ग्रीस और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव गहराया है, जबकि भारत के प्रतिद्वंदी चीन और धुर विरोधी पाकिस्तान के साथ तुर्की की अच्छी दोस्ती है। तो दोस्त का दोस्त दुश्मन ही होता है। इस मुलाकात के दौरान आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से कानून के पालन और संप्रभुता के सम्मान, अधिकार और क्षेत्रीय अखंडता को भी राष्ट्रीय संबंधों का आधार माना है। आपको बता दें कि जो युद्धाभ्यास है तुर्की के हो सब ठिकाने वाले हैं, क्योंकि तुर्की चाहे फिर वो आर्टिकल 370 हो, 35A हो, या फिर वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का छोटा सा बड़ा मसला, तुर्की हर मैटर में भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। ये भी आपने पहले ही देखा होगा। और आए दिन तुर्की जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को ही आंख दिखाता है। तुर्की ने जिस तरीके से CAA NRC जो कि आंतरिक मुद्दा था भारत का, उसमें भी तुर्की बहुत प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया भर में फैलाया था। यही कारण है कि भारत और PM मोदी के निशाने पर तुर्की है। तुर्की अपने आप को इस्लामिक कंट्री के तौर पर सबसे दुनिया भर में उभारना चाहता है।
यानी वो कट्टर इस्लामिक देश के रूप में पूरी दुनिया में उभारना चाहता है। वो चाहे अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का जंग हो तो फिर आर्मेनिया अजरबैजान के जंग में भी कूद जाता है और मुस्लिम देश का समर्थन करता है। चाहे फिर वो फलस्तीन और इसराइल का जंग हो, इसमें भी वो मुस्लिम देश के साथ खड़ा होकर अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का सबसे बड़ा हिमायती बताने की कोशिश करता है। फिर वो चाहे भारत और पाकिस्तान का विवाद हो, तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर एक तरीके से इस्लामिक देश के रूप में अपने आप को इस्लामिक मसीहा समझता है। चाहे वो मुद्दा आंतरिक ही क्यों ना हो, CAA NRC भारत में रह रहे घुसपैठियों को अगर भगाने की बात आएगी तो तुर्की सबसे पहले खड़ा होगा। मुसलमानों के उन घुसपैठियों की क्या क्यों घुसपैठ क्यों भगाया जा रहा है, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन, इस तरीके की तमाम प्रवचन तुर्की देने लगता है। यही कारण है कि मोदी सरकार अच्छी नस पकड़ लिया है और एक तरीके से कूटनीतिक चाल से अपने दुश्मन देशों को मार देने की पूरी तरीके से पीएम मोदी ने रणनीति बना ली है। तुर्की पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ को अब भारत पूरी तरीके से नाकामयाब करेगा और ग्रीस जो कि दुश्मन देश, तुर्की और ग्रीस एक दूसरे के कट्टर और जानी दुश्मन हैं, तो मोदी सरकार ने फैसला किया है कि ग्रीस की सैन्य ताकत को बढ़ाकर चीन को तुर्की के सामने उसी के सामने जस का तस खड़ा कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल में ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक किसी से छुपा नहीं कि ये पाकिस्तान करा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे कौन रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी तो पहले चीन देता है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस ड्रोन अटैक में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चीन की ये टेक्नोलॉजी लग नहीं रही है। इस वजह से एक बात तो क्लियर हो चुका है कि फिलहाल ये जो ड्रोन अटैक हुआ ये पूरी तरीके से तुर्की द्वारा निर्मित किया गया, यानी तुर्की ने निर्मित किया है इस तरीके के ड्रोन को। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई और इसमें साफ साफ आतंकी संगठन भी शामिल है, यानी समझिए कि तुर्की का ड्रोन पाकिस्तान आ रहा और पाकिस्तान का ड्रोन आतंकियों को मिल रहा है। और FATF में जब ब्लैक लिस्टेड की बात होती है तो तुर्की और पाकिस्तान एक साथ रोना रोते हैं कि ब्लैक लिस्टेड ना करो बाबा। अब आप समझिए कि आतंकियों को पनाहगार सबसे बड़ा अगर कोई रहनुमा है इस दुनिया में तो तुर्की और पाकिस्तान है। इस बात को हमें कबूल करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में जो तालिबानी अपना पैर पसार रहे उसमें भी तुर्की और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि तुर्की की जो अफगानिस्तान की सरकार है वो कहने की भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे संबंध है और दुनिया भर में उन देशों से ज़्यादा अच्छे संबंध है जिनका तुर्की और पाकिस्तान विरोध करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक अल्टरनेटिव सरकार तैयार हो जाए जिस वजह से वो तुर्की में तालिबानों का जबरदस्त तुर्की तालिबान का समर्थन करते हैं पाकिस्तान और तो इस तरीके से आप समझिए कि ये हालत है पूरी दुनिया भर में, चाहे फिर ईरान में हो या फिर इराक में हो या फिर अभी हमास की बात करें तो हमास ने भी ज़बरदस्त समर्थन तुर्की ने किया था और उसको न जाने कौन कौन से हथियार दे रहे थे जिस वजह से इजराइल से लड़ने की टकरा था। अब समझिए कि एक ऐसा संगठन जिसके पास कोई हथियार गोला बारूद ना हो वो इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी वाले देश से भिड़ने की अगर सोचेगा तो उसके पीछे कोई सुपर पावर ही लगी होगी, तो ऐसी ताकत लगी होगी जिस जो हथियार प्रोवाइड करा रही होगी, तो वो है तुर्की। लेकिन अब तुर्की के खिलाफ मोदी सरकार ने जबरदस्त रणनीति बना दी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।